हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। अरे थोड़ी जगह अच्छे से बैठने के लिए। इसका फाइनली आज ऑपरेशन है, बंद हो जाएगी। भाई बंद हो जाएगा, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। वैसे ना आपसे 3 घंटे पहले उठ गई थी, इसको ब्रेकफास्ट करना था 3 घंटे पहले, और अभी पेट भर के पानी पी ले। नहीं नहीं नहीं, मेरा पानी का टाइम अब खत्म हो चुका है, अब पानी नहीं पी सकते, अब सीधा ग्लूकोज चढ़ेगा। और ये है मेरा हॉस्पिटल का बैग। वहाँ पर एक फैशन वीडियो बना दी, हाउ टू गो इन हॉस्पिटल विद व्हाट आउटफिट, क्या बोलते थे। चलो अभी इसको लेकर जा रहे हैं, इसका हो गया, इसको फटाफट से वहाँ पे फेंक के वापस आ जाऊंगा मैं तो। सुन, मैं पहले बता रहा हूँ की हम वहाँ रुकेंगे नहीं, मैं एक लाखा दूंगी ना अगर मेरा जल्दी से मुझे मेरी एयरपोर्ट्स चार्ज है ना। इसकी तो अभी नींद ही नहीं खुली है, होठ खींच रही है अपने, देख कैसी बहन है बता। क्या चलो, मैं अकेले की भानु को भी लेके चलूंगा मैं। चलो यार, तेरे पापा का है, तेरे पापा का डैडी पहुंच रहे हैं। पहुंच रहे हैं फिर, ठीक है अंकल को पता है। क्या कर रही है? मैं सो रही हूँ, सभी सो रहे थे उस टाइम तो। तेरी बहन का ऑपरेशन है, तू सो रही है, कोई चिंता ही नहीं है तुझे। वैसे उन लोगों को बड़ी चिंता होगी, उनको कुछ नहीं है, मस्त है आराम से। क्या क्या रख के लेके जा रही है इसमें? चार्जर, लिप बाम, फोन, एयरपोड्स। 2 दिन तक कुछ बोलेगी नहीं, हमें इतनी शांति। ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ बोल नहीं पाएगी तू यार, एक तो ये चुभ रहा है यार। चिल्लाना मत दीदी, 2 दिन तक तो बिल्कुल भी। हाँ चिल्ला तो नहीं सकती। चला ग्रुप दिखेगा उसका, शांत शांत सा घूमती रहेगी इधर उधर। अपने आप को ज्यादा समझता है, बस ये ऐसे नहीं कर पाएगी यार। दर्द हो रहा है मेरे हाथ की नस में। पहुंच गए हम लोग। अंकल कहाँ हैं? पता नहीं मुझे। चलो पास वाली थड़ी है हॉस्पिटल के बगल में, वहाँ बैठे होंगे। चलो एक बार मेरी पास में थड़ी। माय गॉड अंकल इन हियर। मेडिसिन लेकर आनी है, रूम दे दिया और पेमेंट करवाना है। ये पेमेंट पेमेंट अंकल जाओ करो। क्या करूँ पेमेंट? किसका पेमेंट करूँ? तुम यहाँ क्या, तुम क्या करोगे यहाँ? पेमेंट मैं करूँगा, तुम क्या करोगे? अभी टेस्ट चल रहे हैं इसके, देखो दर्द होगा इसके। इसमें जरा सा तो खून है, वो भी उन्होंने निकाल लिया पूरा। यार मैं सोचूं इतना खून उन्होंने मेरा निकाला कैसे? आज मैंने ना बिल्कुल भी रेजर ड्रॉप नहीं डाली, तो मेरे से बोला नहीं जा रहा। अभी कल चेंज दिखेगा इसका, कुछ बड़ा प्लास्टर होगा मेरे नाक पे। वो बोला जा 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 मुझे चाहे बिना ऑपरेशन के घर ले जाना, अगर मेरी एक भी पाइप लगा ना तेरे को बेहोश कर देंगे। वैसे बकवास मत कर, वापस दे पाइप, वापस दियो, वापस दे अरे पाइप क्यों है? मैं वही तो कह रहा हूँ, 45,000 पैकेज के भी ले लिए थे, दवाइयाँ बाहर से अलग से और मंगवाई। चलो बैठो, चलो बैठे यार। तो रूम के पैसे लगाते 5,000 रुपए, रूम में शिफ्ट हो रही है। एक बार वार्ड देख ले, अगर वार्ड सूट करता है तो वार्ड नहीं कर रहा। क्यों? अरे यार क्यों 5,000 रुपए लगा रही बिना मतलब में यार? जनरल वार्ड में चलते हैं, जनरल वार्ड में चलते हैं ना, बढ़िया। और बहुत सारा एंटरटेनमेंट बढ़िया हो जाएगा, बोर नहीं होगी वहाँ पे, कमरे में बोर हो जाएगी अकेले बैठे बैठे। मैं अकेले तो पहली बात रहती हूँ, अब शांति रहो। ये रहा आपका डिलक्स रूम, देखो पूरे 2 बेड एक साथ। हमारी पेशेंट आ चुकी है, आउटफिट ऑफ द डे। ये मेरा आउटफिट ऑफ द डे। ओके गाइस, ये रहा आउटफिट। हां टुडेज आउटफिट। ये आके चुपचाप से व्लॉग रिकॉर्ड कर रहे हो ए अंकल? ये हमारा कंटेंट है अंकल। नहीं अरे यार कर लेने दे थोड़ा सा। मेरे मुझे अभी लग रहा है तुझे डर लग रहा है दीदी, दीदी तुम्हें डर तो नहीं लग रहा ना? अरे मेरे का दीदी आप टेंशन मत लो, मुझे डर नहीं लग रहा, मैं एकदम बढ़िया हूं। देखो उसकी आवाज बिल्कुल बंद हो गया, नेजल ड्रॉप। मेरे को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, मैं बोल नहीं पा रही। ये है मेरा हाल बिना नेजल ड्रॉप के, लेकिन ये बस एक दिन बस। अब ये आज की बात है, हो गया यार, कब हो गया यार, खत्म कराओ जल्दी से यार, वो रिपोर्ट्स आएगी उसके बाद होगा। तो क्या दिक्कत है, मस्त बैठो। ये देखो इसने ये लग्जरी रूम लिया, ये कहां का लग्जरी है? हां यहां का तो ये सुपर डीलक्स है। ओए ज्यादा नहीं बोलना, टीवी भी है। हां ये टीवी, एसी है, एसी भी है, एसी भी है। फिर और लग्जरी में और क्या होता है यार? देखो हॉस्पिटल में तो जस्ट सोफा है, एक बेड है भाई, अपन पता है 4-5 फोर्टिस में तो लेकर ही गए। देखो एक काम करेंगे, आज रात को ताश खेल लेंगे। हां आज रात को मस्त पत्ते खेलेंगे। मैं बताऊंगी मेरे ये दो तो बेड है, दो तो बेड है, सोफा है, टीवी है, एसी है, पंखा है, इसमें और सेपरेट वॉशरूम है, टेबल भी है। हां अरे फ्रिज भी है, और हाँ छोटा फ्रिज भी है। बाहर फ्रिज, बाहर बाहर खोले यार फ्रिज में क्या क्या है? फ्रिज में कुछ भी नहीं होगा अंकल, हर चीज के पैसे लगते हैं यहाँ, कुछ भी नहीं है। सारी बात अंकल, आप फ्रिज होता हूँ काम मिलेगा, गोवा जाओगे ना जब आप, आपको फ्रिज में बियर की बोतलें पड़ी हुई मिलेगी ऑलरेडी, सब होटल में मिलती है। हाँ वहाँ तो सब होटल नहीं, सब यहाँ भी मिलती है, यहाँ नहीं मिलती गोवा में, यहाँ भी है। आप कब गए? आप कब गए? अरे हम तो जाते रहते हैं यार। अंकल देख रहे इसको पैर की चमड़ी उतार रही है, देखो ऐसा
क्या एक होठ की निकालती रहती है, ये पैरों की निकालती रहती है, कैसी लग रही है कार्टून। इसकी ट्रिप स्टार्ट होने वाली है, हम आपको पूरा अपडेट देंगे, बने रहिएगा हमारे साथ। अब ऐसे पड़ी रहेंगी बस, यार तू नहीं खेल पाएगी रात को। अरे ऐसे बता। कल हमें चाय पीनी थी, सिर्फ आपके वजह से रुके हुए हैं। थड़ी पे चाय बगल में ही है थड़ी। चलो ना यार, कौन मना कर रहा है यार। इसकी ड्रिप चालू हो जाए, फिर ये बिजी हो जाएगी, फिर अपन चलते हैं। तू पिएगी चाय? इंजेक्शन इसके तो सबसे मुश्किल काम है, नसें ढूंढना इसकी। नहीं है भाई, नहीं है इसके नसें ही नहीं है। ये बारीक नहीं होती है, मोटी होती है। जब तो आती भी नहीं देखने तेरे को, वो आज भी नहीं आएगी देखने। अभी देखो महफिल जमाते हैं, आज बुलाते हैं देखो पूरी टीम को। चल भाई हम लोग अभी जा रहे हैं, ठीक है, हमें थोड़ा सा काम करना है, ठीक है। मुझे तो पहले से बता दो, तुम्हारी नियत। तेरे साथ अंकल को हम छोड़ के जा रहे हैं आराम से, किसी चीज़ की अपने। और कुछ भी तो कॉल कर देना मुझे ना, मैं शाम को आऊंगा सीधा तेरे ऑपरेशन के बाद। तो ज्यादा बेकार है तू, ऑपरेशन का टाइम आई हो। अंकल है ना, सारे के सारे बेकार है, छोड़ के जा रहे तेरे को। आप भी घर चले जाना, क्या दिक्कत है? ऑपरेशन हमारे छोड़ के जा रहे हैं। लोग बेकार हो यार, नहीं तुम दुख में साथ नहीं दे रहे। हाँ अंकल दुख में साथ नहीं दे रहे यार, देखो ये तो गलत बात है यार, तकलीफ में साथ देना चाहिए। एक काम कर दो, ये उस बेड पे एक ड्रिप मेरी भी लगा दो। अंकल फिर यार आगे चार दिन की छुट्टी है, काम करना है आज। हाँ आगे थोड़ा सा ऑफ हो जाएगा, चार दिन की छुट्टी है, छुट्टियों में आराम से काम करना ना। अरे तो काम की छुट्टी है, काम की छुट्टी है ना, अभी तीन दिन तो यही काम नहीं कर सकती, तो उसके पीछे का काम हमारे को संभालना है ना। पिकू को बोला मेरे वीडियो एडिट करके रखे। हाँ अभी इसका वीडियो एडिटिंग वगैरह करानी है हमें, थोड़ा सा वीडियो शूट करने हैं। कब आओगे? अभी आप कॉल कर देना, तुरंत आ जाएंगे, हम तो पास में ही हैं। अभी कॉल करता हूँ, अभी तो मैं गया भी नहीं हूँ, तेरे जीके से घबराने लग गया। शादी भी है, बुलाए हमको। अंकल अब व्लॉगिंग आपको करनी है, ठीक है? तो अभी मुझे ग्लूकोज भी चढ़ चुका है और मेरे ऊपर जो एनेस्थीसिया वो भी ट्राई हो गया है, मतलब ट्राई करना पड़ता है बिफोर ऑपरेशन। और पता नहीं क्यों ये नॉर्मल जितने इंजेक्शन थे वो इसमें दिए, बाकी मेरे को ये वाला जो अभी अभी लगा ना ये बहुत ज़्यादा पेनफुल था, इससे पहले कोई पेनफुल नहीं था। तो पहले अगर मुझे कोई साइड इफेक्ट होता है तो वो लोग शायद चेंज करेंगे, बाकी अभी तक तो इट्स ऑल फाइन, इट्स गोइंग फाइन। बस मैं बोल नहीं पा रही हूँ और मुझे सांस लेने में भी काफी दिक्कत हो रही है। सारे के सारे निकल जाओ यहाँ से, जाओ, ये तो चाय पीने जा रहे हैं और ये घर जा रहे हैं, चलो निकलो। बहुत ही बदतमीज है सारे घर। नहीं मेरे को मुँह से कहीं से भी सांस ले रही, बाय। देखो कितने बेकार लोग। वैसे ये एक्सपीरियंस मेरा पहली बार नहीं है, मैं पहले भी अपेंडिक्स का ऑपरेशन करा चुकी हूँ इन द एज ऑफ 12 or 14, आई गेस कुछ ऐसी मेरी एज थी, तो मैं वो करवा चुकी हूँ, तो मतलब मुझे ऐसा थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है। पर अभी इस ये एक बड़ी अजीब सी चीज़ है, क्योंकि देखो नाक का ऑपरेशन इज़ लाइक आपके फेस पे कुछ हो रहा है, एंड तब आप सबसे ज़्यादा परेशान होते हो, क्योंकि आप अपने फेस को बार बार टच करते हो और अभी आप टच नहीं कर सकते हो। सो मैं बोल नहीं पा रही हूँ, पर हाँ मैं जो भी अपडेट्स होंगी वो सारी आपको दूंगी, क्योंकि भानु और सूरज वगैरह को जाना पड़ रहा है, क्योंकि थोड़ा बहुत काम ज़रूरी है, मैं भी काम नहीं कर पाऊंगी तो उन्हें तो करना पड़ेगा। सो या सारी अपडेट्स आपको मिलेंगी। और अगर किसी को करवाना है, कोई सोच रहा है मेरी तरह बहुत ज़्यादा परेशानी बढ़ गई है तो करवाना चाहिए नहीं करवाना चाहिए, कितना पेन होता है क्या होता है, वो सब आपको इस वीडियो से काफ़ी हद तक अंदाज़ा हो जाएगा। क्या बोल रहे अंकल? अगर तुम्हारी आंटी को मालूम चल जाए कि मैं यस्सी को ऊपर छोड़ के अकेला और नीचे चाय पीने जा रहा हूँ, मेरी खटिया खड़ी करती है। बस तो इस ब्लॉग के बाद देख लेना खटिया आपकी। अरे वो पहले भी एक दो बार मेरे साथ ऐसे कर चुकी है। ये तो थड़ी ढूंढ ली उन्होंने। अरे हमने तो चाय पियेंगे यार। नहीं पियो अंकल, हम तो जा रहे हैं यार अभी। हमारी तो वहाँ फ्लैट पे बन रही है स्पेशल चाय। अच्छा मतलब मेरे को चिढ़ा रहे हो, तुम स्पेशल पियोगे, मैं थड़ी की पियूंगा। और क्या, थड़ी की लेकिन ज्यादा टेस्टी होती है। मैडम
तू वो यशी का जो नेकलेस वगैरह था वो सब चेंज करवा के लो। अरे क्या हो रहा है उसका ऑपरेशन? अभी तो भाई उसकी ड्रिप व्रिप छड़ी जा रही है बार बार, एक के बाद एक के बाद। अब होने वाला है उसका ऑपरेशन, मतलब अब होएगा, अब होएगा। हाँ उसके वो चेक एनेस्थीसिया वगैरह पता नहीं क्या बेहोश वगैरह करने का, बेहोश कर दिया। नहीं अभी नहीं किया, चेक करा था उन्होंने सब कुछ। अरे मेरे को बेहोश इंसान को देखना कैसा लगता है? शर्म नहीं इसको, मजे आ रहे हैं। बता यार अपन को ना, अच्छा सुन मैं हितेश को बुला रहा हूँ अपन को ना वीडियो शूट करने अच्छे से, जब तक उसका ऑपरेशन चल रहा है। ठीक है तो फिर जाना ही है, जाना ही है तो चलो मैं जाती हूँ। चलो ठीक है, बाय बाय एवरीवन। अभी अंकल से बात हुई है, यशी का ऑपरेशन हो चुका है और अभी तो वो अनकॉन्शियस है तो, और सो रही है अभी तो, एक दो घंटा लगेगा उसको उठने में, तो उसके बाद जब उठ जाएगी तभी चलेंगे हम लोग। अरे भैया शरम नहीं है, अभी अपन वो लेके चलेंगे, एक एक, एक, एक फूल का वो लेके चलेंगे। अरे अभी सो रही है अपन जाके भी वैसे क्या करेंगे यार, उनके उठने से पहले पहुंच जाना और बोल देना यहीं था जब से तेरा ऑपरेशन हुआ है। अरे अंकल व्लॉगिंग कर रहे हो उधर? कर रहे हैं। हाँ मुझे बोले मैंने ना उसका स्ट्रेचर पे शॉट ले लिया है और अभी वो सो रही है, अभी मैं व्लॉग बनाऊंगा। मैंने कहा सही अंकल, राम कोई टेंशन नहीं, कोई टेंशन नहीं, जिम जा रहे हैं। अरे रहने दो, झूठ बोल रहे हैं। अभी हमने इनको बोला कॉल कर लो। अरे कोई बात नहीं, पहले जिम जाके आ जाते हैं, मतलब यहाँ पे मेरी बहन हॉस्पिटल में और इनको जिम जा। अभी अंकल से बात हुई, तुम्हारा पूरा परिवार वहाँ बैठा हुआ है और वो अभी होश में ही नहीं आई है। अच्छा, तो अभी उसके जो एनेस्थीसिया दिया होगा ना, जो बेहोशी का होता है, अभी वो सो ही रही है, तो अभी वो सब बैठे हुए वहाँ पर, तो अपन अभी चल लेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। पहले तुम्हारा परिवार तो वहां से निकल जाए। तो इतने जने हो गए वहाँ पे, सबके सब आ गए, ताऊजी ताईजी तेरे मम्मी पापा सारे आगे, जानू सब, एक जना नहीं आया था। हाँ व्लॉग में ले रहे हैं सब कुछ, लिए सिंपति तो दिखाएंगे। आंटी आएगी, आंटी को तो मैं आज बताऊंगा, देख आंटी आज आंटी, हाँ उनको रोकूंगा। अगर यशी को नींद आएगी ना तो अपन लोग आ जाएंगे, अगर यशी को नींद नहीं आएगी ना तो फिर अपन लोग रुक जाएंगे, एंटरटेनमेंट करेंगे पत्ते खेलेंगे। और अच्छा गाइज अभी यशी को कुछ आ चुका है, अंकल का कॉल आ गया तो अभी हम लोग जा रहे हैं, तो लेट्स गो। कैसी लग रही है तो ठीक है, बोल पा रही है? तेरे दर्द हो रहा है कि नाक में? अभी आप बोलो, वो सूख रहा है, नाक से सांस नहीं आ रही। चले अभी काफी ठीक है, अब ये तो रहेगा, अभी इसके स्वेलिंग है पूरे फेस पर और यहाँ इनकी मूफले चल रही। कब कहाँ से लेकर आए मूफले आप पहले बताओ? अरे यार अभी नीचे गया था तो टाइम पास करने के लिए, मैंने कहा चलो मूफले ले आते हैं, और तो क्या करें। देख टीवी तो बंद है, नहीं तो मैं न्यूज देखता रहता। अच्छा इन्होंने बोला चलता नहीं है? हाँ टीवी नहीं चला, मैंने चला के देखा यार, अंकल ने ब्लॉग तो बनाया लेकिन ऐसे सीधा बना दिया। देखो ऐसा है अभी शुरू किया है तो अभी जितना आता है उतना कर लिया, अब प्रोफेशनली तो अब बनेंगे ना यार। बिल्कुल सही, लेकिन वैसे ना जैसे अंकल ने बनाया ना यार, मैं इसको नहीं देख पाता, ऐसे ऐसे लेटे हुए मैं तो नहीं देख पाता भाई। मैं तो वो वीडियो देखा, मैं तो ऐसा इसको तो आदत है, ऐसे मम्मी को देखा हुआ है। अरे मतलब ये तो देख सकते हैं यार भाई, मेरे से तो नहीं देखा जाए। मैंने तो वो वीडियो नहीं देखा जो उन्होंने बनाया, एक बार देखा मैंने कहा हटा दो यार, मेरे से नहीं देखा। क्यों यार, मेरे बोल्ड बनो जिंदगी में, कुछ करना है तो बोल्ड हो जाता है अंकल। यहाँ पर मैं बोल्ड ही हो जाता हूँ, बोल्ड बनना है, आगे बहुत कुछ देखने को मिल सकता है। अंकल कुछ भी नहीं देखना हमें, सूद के तो पता कैसा हो गई, टमाटर सा गुब्बारा, तेरे इसमें दर्द थोड़ी हो रहा है बिल्कुल भी, लेकिन कल होगा ना जब उस तरह, अभी तो उसके वही उसका असर नहीं क्या होगा ना जो लगाया था इंजेक्शन, तो सो जाना तो फिर। अभी पता क्या बोल रही है, अरे ताश के पत्ते लाओ आज रात भर पत्ते खेलेंगे। इससे आंखें तो खुल नहीं रही है दीदी, वही आपको सुबह 5 बजे सोना और दिन में 12-1 बजे उठना, पट्टी को गीली करके ना बाथरूम में से जा, पट्टी क्या
बात सूख रहा है ना उसके चक्कर में, रख दूं दोनों ऑटो पर ऐसे ऐसे सो कैसे पाएगी तू ऐसे ऐसे। अंकल ये भाई इसका खाना है ब्रेड दूध खाएगी ये? हाँ ये आज तक ब्रेड दूध नहीं खाई, ब्रेड दूध बिस्किट भी है, दूध बिस्किट खाने की वो बिस्किट भी है, ब्रेड भी है और टॉफी। मूंगफली तो आ गई और खूब सारी मूंगफली वो खूब सारी स्कूटी में से निकाल रहे बिखेर के तो भला इंसान लेकर आया था ये। मेरे को मोटा नाक का मोटा नाक कहती है आज तेरी मोटी नाक हो गई, अच्छी लग रही है वैसे कैसा लग रही सूजा हुआ अंडा कैसा लग रही अंडे के ऊपर आंख नाक मुंह बना दियो प्रॉपर अंडा लग रही है वैसे इसके नींद ले ली है इसने अभी इसको नींद नहीं आ रही है। और अंकल हम लोग अभी रात के बज रहे हैं 11:40 अब अंकल बता रहे हैं कि भाई चाय कहाँ मिल सकती है। देखो ये देखो हालत देखो मूंगफली वूफली और इनका खाने पीने का, ये हमारी पार्टी चल रही है, हमारी पार्टी हो रही है पत्ते यार लाए नहीं यार। आप रुकोगे तो बोलो ले आऊंगा। हाँ तो रुकेंगे भाई रात और क्या ठीक है पार्टी का निकलेंगे। मैं बिल्कुल। अरे अंकल आज अरे फिर भूल जाएगा यार ये वो मेरी बात तो सुनो लसन प्याज वाला आ जाएगा। अरे नहीं यार ये थोड़ा सा अरे नहीं ये फूल जाएगा वो। अरे यार सबके फूले हुए हैं यहाँ पे। अरे सबके फूले हुए हैं। मैं तो सीमेंट ट्रिम हूं एकदम। तू ट्रिम है स्लिप नहीं है। और इनो मिलम ओए कैसे चेक कर लिए? अरे यार गैस बन गई आवाज आ रही है ना एक बार बाहर जाके टेलो गैस वाला काम। और हां यहां गैस में छोड़ से ना आप पता चल रहा है। अरे जो उसके नाक में उसको नहीं आई थी भाई हमारी तो खुली है। तू थोड़ा ठीक लग रही है मुझे। मुझे तो अजीब सा लग गया था मैंने कहा यार चलो गाइस चाय भाई दो पहले तो चाय दे दो भाई मेरे गला खराब हो रहा है। मतलब काफी देर हमने पत्ते खेल लिए वो सो गई। अरे अंकल यार अंकल तो प्लेयर निकले तगड़े वाले। चलो वो सो गई है और अभी टाइम हो रहा है 1:30 को रही है तो हम लोग जा रहे हैं घर पे क्योंकि ब्लॉग वगैरह एडिट करना है सब काम करना है तो इनको सोने दो। अंकल आप रेस्ट करो सुबह मिलते हैं अपन लोग ठीक है ओके बाय बाय। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग बाय।